नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। महिला आरक्षण बिल अलग अलग शासन काल में अलग अलग तरीके से आए। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। कई वर्षों से सोनिया गांधी की मंशा रही है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। यूपीए सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हो गया था। केंद्र की भाजपा सरकार की सोनिया गांधी बातों को सुनी, इस बिल का स्वागत है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने महिला आरक्षण बिल पेश होने पर सोनिया गांधी को बधाई दी। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत देरी से आया, बहुत दिनों बाद आया और अलग अलग शासन काल में अलग अलग तरीके से आया। मैंने सबसे ज़्यादा महिला आरक्षण पे जोर देते हुए सोनिया गांधी जी को देखा। विगत वर्षों में लगातार उनकी ये मंशा रही है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए और उस कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में, राज्यसभा में पेश होके पास भी हो गया था। पास होने के बाद में लोकसभा में पेंडिंग था। अब इस सरकार ने, जो सोनिया जी के समय, यूपीए के समय का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका था, कैबिनेट में मंजूरी दे के नए रूप में, अभी क्या रूप है मेरे को अंदाज नहीं है, मैं बाहर था तो मैंने देखा नहीं है, नए रूप में या जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है, ये हमेशा इसका स्वागत है। मैं सोनिया जी को विशेष करके बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग को स्मरण होगा तो जब इस विशेष सत्र के लिए बिना एजेंडा के सत्र को बुला लिया गया था तो सोनिया जी ने जिन बिंदुओं को लिख के कहा था उनमें महिला आरक्षण भी था। तो मुझे खुशी है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने सोनिया जी की बात को सुना, समझा और अब कार्य रूप देने जा रही है। इस बिल का कितना असर आप देखते हैं विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में? किसी के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है महिलाओं के पक्ष में होगा। आज जागरूकता है, यही सवाल उठते थे जब पंचायती राज में महिला आरक्षण हो रहा था और लोग ये मानते थे कि ये तो सरपंच पति ही सब कुछ चलाएंगे। आज आप देखिए कि कितनी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, कितनी महिला लीडरशिप तैयार हो गई है और स्थिति ये है कि आरक्षण से ज़्यादा सीटों में आज महिलाएं विद्यमान हैं। जितने पंच के स्थान हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितने बीडीसी हैं उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, जितना जिला पंचायत के सदस्य है उसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं, बल्कि सरगुजा ज़िले में तो 14 में 3 पुरुष हैं या 4 पुरुष हैं, 10 महिलाएँ। तो ये स्थिति है, महिलाओं को जब आप मौका देते हैं, घर की दहलीज के बाहर आके बराबरी का काम करने का मौका देते हैं, तो आधी आबादी को सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।